दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साल 2030 के रेफरेंस से भारत के 20 सबसे अमीर शहरों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका आधार होगा जीडीपी। लेकिन आपको बता दूं यह जीडीपी का डेटा प्रोजेक्शन पर बेस्ड होगा जो कि पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। खैर दोस्तों पेज से आपके सामने 20 रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया इन 2030। तो नंबर 20 पर होगा बिहार का पटना। यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की सेक्टर्स है एंड 2030 तक यहाँ की जीडीपी 55 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। नंबर 19 लुधियाना। पंजाब की लुधियाना सिटी में हॉजरी एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस सिटी को इकोनॉमिक हब बना रहे हैं एंड इस सिटी की जीडीपी 2030 में लगभग 63 बिलियन डॉलर्स की होगी। नंबर 18 भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल सिटी एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में रैपिड ग्रोथ कर रहा है। इस सिटी की जीडीपी लगभग 66 बिलियन डॉलर्स की होगी 2030 में। नंबर 17 वडोदरा। अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स वडोदरा गुजरात का जीडीपी 2030 तक 70 बिलियन डॉलर्स से भी पार पहुंच सकता है। आपको बता दें वडोदरा में पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स मेन इंडस्ट्रीज हैं। इस कड़ी में नंबर 16 पर होगा इंदौर जिसकी जीडीपी 76 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो सकती है। यह मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक हब है एंड फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल यहाँ पर बड़े सेक्टर्स हैं। नंबर 15 पर होगा तमिलनाडु का कोयंबटूर शहर जिसकी जीडीपी 2030 तक 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यहां पर काफी स्ट्रांग है, साथ ही स्टार्टअप कल्चर भी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। नंबर 14 मध्य प्रदेश की नागपुर सिटी जो कि अपनी सेंट्रल लोकेशन की वजह से लॉजिस्टिक हब बनती जा रही है। आपको बता दूं इस सिटी की जीडीपी 2030 तक 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्टर है। नेक्स्ट गाइस यूपी की कानपुर सिटी जिसकी जीडीपी 2030 तक 93 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इंडस्ट्रियल सिटी होने के कारण यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसी क्रम में यूपी की कैपिटल सिटी लखनऊ 97 बिलियन डॉलर्स जीडीपी के साथ इंडिया में 12वीं सबसे रिचेस्ट सिटी की दावेदार होगी। आपको बता दूं इस सिटी में काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सिटी 101 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा जीडीपी के साथ इंडिया की 11th रिचेस्ट सिटी होगी। आपको बता दें यहाँ पर फार्मा एंड स्टील इंडस्ट्री का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड पोर्ट एक्टिविटीज भी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती है। नंबर 10 पर होगा राजस्थान का कैपिटल जयपुर। इसकी जीडीपी तकरीबन 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे की इंडस्ट्रीज हैं एंड स्टेट कैपिटल होने के चलते इस सिटी को और भी ज्यादा ग्रोथ के अवसर मिल रहे हैं। 209th नंबर पर गुजरात की सूरत सिटी जो टेक्सटाइल एंड डायमंड के लिए फेमस है। इसकी जीडीपी 2030 तक 142 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। प्रेजेंट टाइम पर यह सिटी हाई वैल्यूड इंडस्ट्रीज में रैपिडली ग्रोथ कर रही है। 170 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ नंबर 8th पर महाराष्ट्र की पुणे सिटी होगी जहाँ पर आईटी, ऑटोमोबाइल एंड एजुकेशन की सेक्टर्स हैं जो कि सिटी को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में मदद कर रहे हैं। नंबर 7th पर होगा अहमदाबाद विद 180 बिलियन डॉलर्स नॉमिनल जीडीपी ड्यू टू इट्स टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड के नए इनिशिएटिव भी यहां पर हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में नंबर 6 पर तेलंगाना की हैदराबाद सिटी होगी जिसकी जीडीपी 2030 तक 200 बिलियन डॉलर्स पहुंचने का अनुमान है। आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूटर है और यह सिटी इंडिया के टेक एंड हेल्थ केयर सेक्टर में एक मेजर हब बनता जा रहा है। अब कोलकाता की बात करें तो जीडीपी के मामले में 2030 तक 5th रैंक में खिसक जाएगा जिसकी जीडीपी 2030 तक 218 बिलियन डॉलर्स की होगी। फाइनेंशियल सर्विस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एंड पोर्ट इंडस्ट्रीज में सिटी का एक बड़ा योगदान है। 228 बिलियन डॉलर्स जीडीपी के साथ 4th नंबर पर होगा चेन्नई सिटी जहां पर ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज तेजी से डेवलप हो रही हैं। नंबर 3 पर होगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि बेंगलोर जिसकी जीडीपी 300 बिलियन डॉलर्स तक एक्सपेक्ट की जा रही है। यहां पर आईटी, टेक स्टार्टअप्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रैपिडली ग्रोथ फेज पर हैं।
नंबर टू पर होगा दिल्ली एनसीआर और इसकी जीडीपी 2030 तक 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है ड्यू टू आईटी, रियल एस्टेट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। गाइस यह रीजन नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिक हब बनता जा रहा है। लास्टली नंबर वन पर होगा आमची मुंबई यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 550 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है मुंबई सिटी की जीडीपी। इसकी मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो फाइनेंस, बॉलीवुड एंड मैन्युफैक्चरिंग मुंबई को इंडिया के इकोनॉमिक पावर हाउस बनाते हैं। तो दोस्तों यह थी टॉप 20 रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया इन 2030। आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी कौन सी फेवरेट सिटी है इन सभी में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।